चांद पर भारत पाकिस्तान में महाभारत। जी हां, ऐसा ही सीन है भारत का मून मिशन। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, उसके आका चीन को भी टेंशन दे रहा है। जब से चंद्रयान ने चांद पर तिरंगा लहराया है, चीन और पाकिस्तान दोनों के माथे की लकीरें गहरी हो गई हैं। चीन चांद हड़पना चाहता था, लेकिन चंद्रयान ने साजिश को नाकाम कर दिया। रही बात झंडे पर चांद सजाने वाले पाकिस्तान की, तो वो चांद पर तिरंगा देखकर सदमे में है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चांद पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अरमान लहू लुहा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहसीत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी। हाँ। मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं जाके, मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। मुनीर ब्रिगेड की सिली जुबान, शर्म से गरी पाकिस्तानी आवाम। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। दुनिया में गूंजा भारत का नाम, जिन्ना लैंड, उजड़ा जहां। मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज है ना, ये शायद इनको भी पीछे छोड़ दे। हमने स्पार्को वाला तो 8 साल पहले शुरू किया था, लेकिन हाँ। स्पार्को की कोई अभी तक कोई हमें नजर नहीं आ रही। और बॉर्डर पार मलाल ही मलाल, हुक्मरान पर उठे तीखे सवाल। आप स्पेस साइंसेज की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये बेसिक्स हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान, चीन पाकिस्तान सब परेशान। चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, लेकिन मुनीर ब्रिगेड के सीने पर सांप लौट रहा है। उसकी बोलती बंद हो चुकी है, बोल कौन रहा है? पाकिस्तान की आवाम, जो अपने हुक्मरानों की जमकर लानत मलामत कर रही है। हमारी प्रायोरिटीज ही गलत है, वो मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें? सारे पाकिस्तानी खुशी मनाए के देखे जी, हम भी टेक्नोलॉजी में कितने आगे चले गए, ठीक हो गया, हम तो किसी चीज और में ही आगे जा रहे हैं, उसमें बात नहीं करनी। इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर वन सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। हिंदुस्तान ने इधर चांद चूम कर इतिहास लिखा, उधर पाकिस्तान में रंज, तंज, गम और शर्मिंदगी का सैलाब बह निकला। ऑलरेडी मून पे है, ठीक है ना, यहाँ गैस है, मून पे भी नहीं है, यहाँ पानी है, मून पे भी नहीं है, यहाँ बिजली है, मून पे भी नहीं है, तो बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यार उनसे भी टैक्स लगवा दोगे की कर लेते हो। तंज हुक्मरानों पर, रंज मुल्क के हालात पर, गम मुस्तकबिल का, और शर्मिंदगी पाकिस्तान की उस नाक पर जो कर्ज मांगते मांगते घिस चुकी है। एक बंदा सिर्फ नौजवानों को ये कहने वाला कह आ जाए कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की जरूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान चांद के साउथ पोल पर मून वॉक कर रहा है, वहाँ मिट्टी पानी की तासीर देख रहा है, ये जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि जब चंद्रमा को ताप चढ़ता है या जब वहाँ भूकंप आता है तब बदला माहौल कैसे कैसे असर दिखाता है। प्रज्ञान ये सारी जानकारियाँ इसरो को ट्रांसफर कर रहा है और पाकिस्तान हाथ मल रहा है। कोई गाल नहीं, बड़ा दिल करो, हम साया मुबारक दबो। उन्होंने तराने नहीं बनाए, उन्होंने चंद्रयान बनाया, हम बनाएंगे तराने, और तराने बजाएंगे, तराने गाएंगे, तराने सुनेंगे,
और इकोनॉमी हमारी जो है वो तरानों के ऊपर ही चलेगी। अपनी पैदाइश के 77 सालों से पाकिस्तान यही कर रहा है। ऐसा ना होता तो स्पेस की रीसेंट मनी रेस में भारत से हारने वाले में रूस की जगह पाकिस्तान का नाम भी हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तान से अदावत की जिद ने उसे कहीं का ना छोड़ा। ये बात हर पाकिस्तानी को साल रही है। मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना, अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो उनकी फेहरिस्त में शामिल हो गया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल लोअर है, अब वो ना सिर्फ सूरज की तरफ जा सकता है बल्कि उससे जो बड़े डिस्टेंस पे जो मिशंस भेजे जाते हैं ये उनकी फेहरिस्त का भी हिस्सा बन सकता है। जिस पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम भारत से भी पहले लॉन्च किया था वो अंतरिक्ष की दौड़ में आज कहीं नहीं है। पाकिस्तान ने स्पेस मिशन के लिए स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपरको की स्थापना की। भारत ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस पर बनाया। साल 1969 में इसी का नाम बदलकर इसरो रखा गया। पाकिस्तान ने सुपरको की स्थापना 1961 में की, भारत ने इनकॉस पर की स्थापना एक साल बाद 1962 में की। पाकिस्तान ने पहला रॉकेट 1962 में लॉन्च किया जबकि भारत ने पहला रॉकेट 1963 में छोड़ा। जिस स्पेस प्रोग्राम में कामयाबी और नाकामी सेकंड के हजारवें हिस्से से तय हो जाती है उसमें पाकिस्तान तेजी से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा था। स्पेस प्रोग्राम में पाकिस्तान भारत से काफी आगे था, वो अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का 10वां देश था। पाकिस्तान रॉकेट लॉन्च करने वाला एशिया में तीसरा देश था। पाकिस्तान से पहले एशिया में यह कमाल सिर्फ जापान और इजराइल ने दिखाया था। अमेरिका और चीन की मदद से पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम शुरू में ठीक ठाक चला। सुपरको ने शुरुआती 10 सालों में ताबड़तोड़ कई रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन पाकिस्तान के आसमानी अरमानों को चोट लगी 70 के दशक में। पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की कमान मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम के हाथों में थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान थे। 1974 में पाकिस्तान ने कानून बदलकर अहमदिया को गैर मुसलमान करार दे दिया। इससे नाराज डॉक्टर सलाम ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़े और यूरोप में काम करने लगे। पाकिस्तान के अंतरिक्ष से धड़ाम होने की बड़ी वजहें और भी हैं। 1977 से 1988 तक पाकिस्तान की सत्ता में रहे जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए जो फंडिंग थी उसमें लगातार कटौती करते रहे। साल 1988 में उनकी मौत हो गई, लेकिन तब तक पाकिस्तान का फोकस बदल चुका था। अब पाकिस्तान की नजर स्पेस प्रोग्राम पर नहीं थी। 1947, 1965 और 1971 की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अब भारत से नई जंग की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत हथियार जुटाने और आतंकवादी तैयार करने में झोंक दी। जो पैसा मुल्क की तरक्की पर खर्च होना था पाकिस्तान उसे बारूद पर लुटाने लगा। जिस सुपरको पर स्पेस प्रोग्राम की जिम्मेदारी थी उसकी कमान फौज के हाथों में चली गई और जहां स्पेसक्राफ्ट बनने थे वहां मिसाइलें बनने लगी। अंजाम देखिए, 1990 से पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री ठंडी पड़ी है जबकि इसरो कामयाबी की बुलंदियां फतेह कर रहा है। भारत ने इसरो के लिए इस बार 12,500 करोड़ का बजट तय किया है जबकि पाकिस्तान ने सुपरको के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए का बजट रखा। ये तो सबको पता है कि हमारी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को, लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि हम इतने बड़े मिशंस प्लान कर सकते या इतनी बड़ी, और जिस तरह से देखें कि एक मुसलसल सपोर्ट रही इंडिया को। वैसे पाकिस्तान को स्पेस प्रोग्राम के लिए पैसों की परवाह भी नहीं है, वहां के लीडर्स को कर्ज चाहिए वो ऐश के लिए। डॉलर मिलने हैं तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां ऑर्डर कर ली। ये तो हमारा मतलब ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। वो मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें। जो कह रही है पाकिस्तान की आवाम कह रही है, क्योंकि मिशन चंद्रयान की कामयाबी ने जिन्ना लैंड के हुक्मरानों के होंठ सिल दिए हैं।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।